जी किचन में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। आज हम कोई खाना नहीं बनाएंगे, कोई डिश नहीं बनाएंगे, पर आपका संग में हम थोड़ा सा खुशियाली शेयर करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ कोलकाता में ईद का चांद रात का मेला लगता है, तो वो मेला एक महीना पहले लग जाता है। अभी तक हम कोई वीडियो नहीं छोड़े हैं उसका, सोचे जो आपका संग में भी शेयर करें। तो आज हम मेला जा रही हैं, देखते हैं जो वहाँ पर क्या क्या वीडियो आपको हम दिखा सकते हैं। कुछ खरीदारी करेंगे, शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत, और वहाँ देखिए बहुत पॉकेट मार होता है। सावधानी से अपना मोबाइल बचा के हमको वीडियो करना है। तो चलिए मेला चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये हम लोग मार्केट में आ गए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत आगे से हम लोग चले हैं। अभी ये बीच का पोजीशन है, बहुत भीड़ का वजह से हम नहीं बना सके। तो ये देखिए, कपड़ा का मार्केट है पूरा, ईद का लेके लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा कपड़ा का शॉपिंग का मार्केट है, उधर ही हम जाएंगे, बस आपको इतना ही दिखा दे रही है, बहुत भीड़ जगह है। तो ये देखिए, ये पूरा मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे सब मेकअप वेकअप सब लगा हुआ है। जहाँ तक हो रहा है आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रही है, आवाज़ तो उतना नहीं आएगा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत हम दिखा दे रहे हैं। ये ईद का लेके लगा हुआ है, ईद चांद रात तक लगा हुआ रहेगा, रात को 3 बजे तक पूरा दुकान लगा हुआ रहेगा, 4 बजे सारा दुकान उठ जाता है, नमाज अदा होता है इसके लिए। ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, अब बहुत सस्ते में भी मिलता है, बहुत अच्छा चीज़ मिलता है। हमारा घर का सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आगे चलिए, यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो ये देखिए, अब मेला का करीब हम लोग आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेला का गेट है, यहाँ पे भी शॉपिंग लगा हुआ है, मेन शॉपिंग जो लगेगा चांद रात का दिन में, कल हो सकता है चांद रात की परसों, तो जहाँ तक टारगेट लगाया जा रहा है जो काली है चांद रात, तो मेन जो लगता है चांद रात को कल लगेगा। यहाँ पर आदमी चल नहीं सकता है, अभी ये फाँका है, हम सवेरे आए हैं, 7 बज रहा है शाम का, भीड़ होगा 9 बजे का बाद से जो भीड़ होगा रात को 3 बजे तक, 12 बजे तक तो एकदम चल नहीं सकते। तो ये देखिए, ये है मेला, अब हम लोग मेला में एंट्री कर रही हैं, जैसे कि देख सकते हैं झूलना वगैरह। ये देखिए, ये पूरा मेला लगा हुआ है, जैसे जैसे जाएंगे हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे सर्कस वगैरह लगता है, ये बच्चों का सब झूलना है। ये आप देख सकते हैं, उधर देखिए शॉपिंग वगैरह लगा हुआ है, ये शॉपिंग का लेके बिल्डिंग बन रहा है, ये वाला कपड़ा होगा। अब चलिए उधर घूम के देखते हैं। शॉपिंग करके हम आपको दिखाते हैं। हेलो, आइए भाई, 100 100 100 आइए, हर एक बैग 100 100 100 आइए, हर एक बैग 100 100 100
कम नहीं किए पर हम ले लिए हैं भाई, चेक कर दी भाई, जब भांग से ना कर दे, अरे भांग से देख ये लोग खोला जाए, ये लोग देख ना, ये लोग किए जानी है, ये लोग मासे तो पे रखा जाए, हां जानी है, जो लोग चले गए एक मत एक्शन कर दो तो ये देख सकते हैं, ये वाला हम ले लिए हैं, ये वाला लिए हैं, पसंद किए हैं, तो ये शॉपिंग यहाँ पे हो गया है यहाँ से। अब चलिए आगे देखते हैं क्या ले सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्कस लगा हुआ है, स्टेज में चल रहा आज की
করবেন যা নেবেন একদম দামাদামি করবেন না একদম হরেকবার মাত্র ১২ টাকা ও ১৫ টাকা देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है बच्चा लोग के लिए लगा है खास लाइए फुल दी बेटा जीते हैं छोड़िएगा मम्मी नहीं नहीं सबका दान होता है नीचे ऑरेंज नीचे नीचे ऑरेंज नीचे है अगर 500 ग्लास गिर गया ये बॉल से तो 100 रुपया बढ़ना गमला देखिए हमसे तो कोई चीज नहीं हो रहा कभी हमने ये खेला नहीं Okay.
खा रहे हैं। ये देख सकते हैं अब मेला हम लोग घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं रिटर्न घर, क्योंकि रात हो गया है और टाइम हो गया, पूरा आपको दिखा दिए हैं। आप जाते जाके घर में से आपको दिखाते हैं जो क्या क्या शॉपिंग किए हैं, क्योंकि यह मौका नहीं मिला, बहुत भीड़ भाड़ जगह है, इसीलिए चलते हैं आप घर। जैसे देख सकते हैं हम मेला जो गए थे आपको दिखाए थे, ये हम इतना सामान किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम दो ठो कोट लिए थे तो आपको हम दिखा दिए थे, बाकी जो सामान किने वो नहीं दिखा पाए कुछ कुछ, क्योंकि बहुत भीड़ था, आस्ते आस्ते बहुत भीड़ हो गया था, इसी का वजह से हम नहीं दिखा पाए। सारा खरीदारी कर लिए हैं, आइए इतना हम सामान लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम सब कॉस्टली कॉस्टली सामान है और बहुत ही एंटिक एंटिक है। तो ये मेरा कुकिंग का ये सारा चीज़ है, हम कुकिंग के लिए लिए हैं, किचन के लिए, तो इसमें तकरीबन मेरा इन्वेस्ट हुआ है 9,500 रुपया, 10,000 पकड़िए, क्योंकि लाइटिंग का काम कर दिए। यहाँ पे देखिए ये डेयरी में खिड़की में कौन हवा आ रही है, ये देखिए। तो देखिए आप सबको तो पहले हम ये बोलेंगे बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, हर किसी को ईद मुबारक। तो देखिए आज ईद है, इसीलिए हम आपको ईद मुबारक बोल देंगे। तो ईद के लिए हम स्पेशल आपको दिखा दिए शॉपिंग से लेके चांद रात का, कल चांद रात भी है आज ईद, इसीलिए आप सबको फिर से ईद मुबारक। तो देखिए चावल बनाए हैं, मटन ग्रेवी बनाए, आलू देखिए, इसका छोड़ा हुआ वीडियो आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लच्छा बनाए, दूध लच्छा, यहाँ पे देखिए सेवई बनाए हैं, यहाँ पे देखिए खीर बनाए हैं, और उधर है सलाद वगैरह, शरबत वगैरह है, वो अभी हम लाए नहीं हैं। तो ईद का शॉपिंग दिखाएं, देखिए डाइनिंग टेबल में इस टाइप का हम सजाए हैं। तो देखिए ये तो खाना हो गया ईद के लिए स्पेशल, अब भी इसी टाइप का ईद का खाना बना के खाइए, जो सकिएगा वो बनाइए, हम और कुछ ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए टोटल हम लाए हैं, सजाए हैं पूरा, इस टाइप का हम सजा लिए हैं, आप भी इसी टाइप का घर सजाइए। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा, और हाँ ईद का मुबारक आपको दिए हैं, आप हमारा चैनल में जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ही का माध्यम से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप ही लोग का, आप ही लोग का माध्यम से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, हम आगे पहुँच सकेंगे। तो इसीलिए सबका शुक्रिया फिर से अदा करना चाहते हैं, और ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।